संस्कृति जो है वो माँ बहन की इज्जत करना, वो है बाहर फॉरन का वैसा नहीं है, ये फ्री सेक्स है, यहाँ पर वैसा फ्री सेक्स नहीं है। संस्कृति जो है अपनी माँ बाप की इज्जत करना, भाई बहन की इज्जत करना, लड़कियों की इज्जत करना, औरतों की इज्जत करना, ऐसा जो शक्ति है सेक्स की शक्ति वो कम होते जा रही है। इसलिए मेरा ये कहना है कि वो मोबाइल नहीं देखना चाहिए। अगर आपको देखनी है तो शादी के बाद देखिए, शादी के पहले मत देखिए। शादी के पहले देखने से वो आदमी को जागृत होती है, भावना जागृत होती है और वो फिर वो हाथ से कर लेता है, उसकी वजह से उसको ताकत कम हो जाती है उसकी। ठीक है, जो आंखों का पानी जो बोलते हैं, आंखों का पानी मर जाता वैसा होता, उससे भी सेक्स कम हो जाता। युवा पीढ़ी है, उनका जो काम है, सबसे पहले काम है कि पढ़ाई अच्छी करना, पढ़े अच्छे करके अपना करियर बनाना, करियर बनाए बाद शादी करना, जितना चाहे सेक्स आप करो। आरोग्य जागृति, दर्शकों आरोग्य जागृति में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम ऐसी शख्सियत से मिले हैं जिनका मतलब जो पहचान करने की जरूरत नहीं, पूरे महाराष्ट्र में उनका नाम है, जो डॉक्टर शेख साहब है, जो इनको हाल ही में एक बहुत बड़ा पुरस्कार ये हुआ है, बहाल हुआ है, लेकिन ये राज्यपाल के हाथ से दिए जाने वाला पुरस्कार है, बहुत ही कीमती पुरस्कार है। इस जो संस्था ने इनको चूज किया है, जैसा कि इन्होंने 35 साल में अभी तक जो आयुर्वेदिक का जो क्रांति किया है, सही तारीफ काबिल है। आज हम उन्हीं से जानेंगे कि जो विविध संस्था उनका उनकी दखल ले रहे हैं, जो उनके काम को सराहना दे रहे हैं, और सही समाज के लिए नहीं पूरे देश के लिए भी बहुत बड़ी गर्व की बात है। आज डॉक्टर शेख साहब से हम ही बात करेंगे। क्या सर, आज आरोग्य जागृति में फिर स्वागत है सर आपका। सर आज हम देख रहे हैं आपको, हर संस्था एक पुरस्कार के लिए सम्मानित कर रही है। आज हमारे हिसाब से आज 150 से 200 संस्था ने आपको पुरस्कार दिया है, और हाल ही में आपको माननीय राज्यपाल जी के हाथ से सत्कार होगा। ये बहुत बड़ी अपने मराठवाड़े के लिए, महाराष्ट्र के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है, जो अपने आरोग्य जो आयुर्वेदिक इसमें जो क्रांति की है। सर इसका क्या राज है? इसका राज ये है कि बस मेहनत और लगन और इंटरेस्ट, अन्य जो काम आप कर रहे हो दिल लगा के करिए, और उसको ही अपनी पूजा समझ के, इबादत समझ के वो काम करिए। अपन इज्जत से कमाओ और चार लोगों के ऐसा अच्छा करके जाओ। यानी अपन जो जिंदगी में आए, खुदा ने अपने को जो जिंदगी दिया है, उसका काम ये है कि लोगों की भलाई करो, अपने से जहाँ तक हो सकते लोगों की भलाई करो। और खुदा ने जो नॉलेज दिया है मुझे डॉक्टरी का, तो ये डॉक्टरी का ना खुदा के बाद लोग आए तो डॉक्टर को दर्जा देते कि अपनी जो बीमारी है वो खुदा को बोलते हैं, लेकिन उनके पास तो जा नहीं सकते, डॉक्टर के पास आते हैं। माँ बाप को नहीं बोलते, भाई बहन को नहीं बोलते, दोस्त को नहीं बोलते, बीवी को नहीं बोलते, वो बातें मुझे यहाँ बताते लोग, ये सबसे बड़ी बात है। तो इसलिए अपना भी काम है कि एक डॉक्टर का काम है कि पेशेंट को पूरी इज्जत देना, उसकी पूरी कहानी सुनना, और जहाँ तक हो सके अपनी कोशिश करना कि उसको अच्छा कर सके। आखिरी में तो शिफा देने वाला खुदा है, लेकिन अपने हाथ में जो है, अपने जो नॉलेज है, खुदा ने जो नॉलेज दिया पूरा का पूरा इस्तेमाल करना। और ये देख के मैं हर इतवार को फ्री चेकअप कैंप रखता हूँ, और फीस बहुत कम है, 100 रुपया है, और जो मेडिसिन भी जो है वो कंपनी की दवाई देता हूँ, मैं कूट पीस के कुछ दवा नहीं देता हूँ, क्योंकि कूट पीस के दवा देने में 100 रुपये की दवा आप 1000 में दे सकते हैं। आपको जैसा लोग बोल नहीं सकते कि इसमें क्या है और कितने की है, लेकिन मैं तो कंपनी की जो दवाइयाँ है, कंपनी की दवाई देता हूँ, उसमें जो MRP रहता वो MRP हम लेते हैं, या उससे भी और हमको जो कंसेशन होता वो भी हम थोड़ा कम करते। इस तरह यानी एक तो हर इतवार को फ्री चेकअप, फीस कम, और लोगों की सेवा, और कुछ भी सोशल जो वर्क करे तो उसमें भी मैं हिस्सा लेता हूँ। ये सब देख के विविध संस्था ने, 150 संस्था ने आज तक मुझे सम्मानित किया है, पुरस्कार दिए है। अभी जो पुरस्कार मिलने वाला है 22 फरवरी को राजभवन मुंबई, यहाँ पर माननीय महामहिम जो है अपने राज्यपाल श्री कोश्यारी, भगत सिंह जी कोश्यारी, उनके से ये पुरस्कार मिलने वाला है। तो इसके लिए मैं सब लोगों का जिन्होंने मुझे प्रेरणा दी है उनका मैं आभारी हूँ, और यहाँ आगे भी मैं ये काम करते रहूँगा कि जहाँ तक हो सके लोगों की भलाई करो। पैसा तो क्या है, कोई भी कमा लेता, लेकिन पैसे के साथ अपनी इज्जत कमाना चाहिए, माँ बाप का नाम रोशन होना चाहिए, ये करना चाहिए। पैसे के पीछे मत भागो,
लोगों की सेवा करो। डॉक्टर का तो ये जो प्रोफेशन है नोबल प्रोफेशन है, इसी की वजह से जैसा लोग इज्जत करते, कोई कितने भी पैसा वाला है बिल्डर है लोग उसकी इज्जत नहीं करते जितनी डॉक्टर की इज्जत करते, क्योंकि डॉक्टर बीमारी दूर करता जिंदगी देता और खुदा के बाद जो है वो डॉक्टर का दर्जा है। सर जैसा कि अभी युवा पीढ़ी में जो व्यसन के इसमें ज्यादा लोग मुतबिल हो रहे हैं और बहुत से युवा में डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, जैसा भी सबसे बड़ा जो विषय है कि जो किधर बताते नहीं है आपके पास बताते हैं, जो सेक्स जो विषय है बहुत ही मतलब नाजुक है, इसको भी आपने बहुत खूबी लोगों तक मतलब मैसेज दिया है और युवा पीढ़ी को इससे बाहर निकालने की कोशिश करें, महाराष्ट्र के लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। सर मेरे को इतना बताइए सर, ये आयुर्वेदिक में इतना अच्छा रिजल्ट है तो आपके माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि आजकल की जो पीढ़ी है वो मोबाइल देख के अपना जैसा जो शक्ति है वो कम कर रहे हैं, मोबाइल देख देख के उनकी शक्ति कम हो रही है। अपने इंडिया में संस्कृति जो है वो माँ बहन की इज्जत करना वो है, बाहर फॉरेन का वैसा नहीं है कि फ्री सेक्स है, यहाँ पर वैसा फ्री सेक्स नहीं है। संस्कृति जो है अपनी माँ बाप की इज्जत करना, भाई बहन की इज्जत करना, लड़कियों की इज्जत करना, औरतों की इज्जत करना ऐसा है, लेकिन वो मोबाइल की वजह से क्या हो रहा है कि आजकल हर छोटा बच्चा भी मोबाइल पर पोर्न देखता है, तो उससे देख देख के क्या होता है कि उनके जो शक्ति है सेक्स की शक्ति है वो कम होती जा रही है। इसलिए मेरा ये कहना है कि वो मोबाइल नहीं देखना चाहिए, अगर आपको देखना है तो शादी के बाद देखिए, शादी के पहले मत देखिए। शादी के पहले देखने से वो आदमी को जागृत होती, भावना जागृत होती और वो फिर वो हाथ से कर लेता, उसकी वजह से उसको ताकत कम हो जाती है उसकी, या देख देख के जो आंखों का पानी जो बोलते हैं आंखों का पानी मर जाता वैसा होता, उससे भी सेक्स कम हो जाता। फिर दूसरी बात है आजकल फास्ट फूड है उसकी वजह से भी जैसा जितनी ताकत आना चाहिए नहीं आती। फिर दूसरी वजह और क्या कहेगी, सिगरेट पीते बीड़ी पीते या कुछ नशा करते उससे भी सेक्स कम होता है। जो भी आजकल की पीढ़ी ये सब कर रही है तो मोबाइल पे पोर्न देख रही, सिगरेट बीड़ी का इस्तेमाल कर रही या फिर चरस गांजा ऐसा कुछ नशीली चीजों का इस्तेमाल कर रही, और इसकी वजह कुछ मेहनत नहीं, एक्सरसाइज नहीं और फास्ट फूड, ये सब बातों से सेक्स कम होते जा रहे हैं आजकल युवा का। तो उन्होंने अपने सेक्स पे अभी जो युवा पीढ़ी है उनका जो काम है सबसे पहले काम है कि पढ़ाई अच्छी करना, पढ़ाई अच्छी करके अपना करियर बनाना, करियर बनाने के बाद फिर शादी करना, जितना चाहे सेक्स आप करो। सर जैसे बताया कि आपने काफी अच्छा हमारे दर्शकों को बताया और आपके बारे में तो तारीफ करना उतना कमी है, सभी जानता आपको डायरेक्ट डॉक्टर शेख के नाम से जानती है, सभी तरफ आपका नाम है। सर ऐसे में अभी जो डिप्रेशन के शिकार होकर जो बढ़ रहा है और जो गलत काम में जा रहे हैं लोग, तो ये केवल सर मानसिक संतुलन बिगड़ने से होता है या जो शक्ति कम होना, हर एक का जो सेक्स के बारे में काफी लोग सक्रिय है ऐसा बोला जाता है लेकिन फिजिकल फिटनेस नहीं रहने से, इनको क्या संदेश देंगे सर? हाँ उनको ये संदेश दे रहा हूँ मैं कि जैसा जो भी आप काम कर रहे हो उसमें दिल लगाओ आप और अपना मेहनत करो, टाइम टू टाइम खाना खाना, टाइम टू टाइम सोना और एक्सरसाइज करना, इससे आपकी सेहत अच्छी रहेगी। और जिससे अपनी सेहत बिगड़ती जैसा मोबाइल पर पोर्न देखना या फास्ट फूड खाना या फिर जैसा आराम की जिंदगी उससे अपना सेक्स कम होता, वो आप टालिए। जैसा पहले के लोग जैसा पैदल जाते थे 20-20 किलोमीटर 100 किलोमीटर, आजकल वैसा नहीं, अपने को यहाँ से बस स्टैंड जाना है तो अपन गाड़ी पे जाते हैं, यानी उससे अपनी ताकत कम हो रही है, जो फिजिकल एक्सरसाइज होना चाहिए वो नहीं हो रही है। इसलिए एक्सरसाइज करिए आप और पढ़ाई में दिल लगाइए और अपने काम में दिल लगाइए, माँ बाप की इज्जत करिए, भाई बहन की इज्जत करिए, लोगों की अपने से जो बड़े हैं उनकी इज्जत करिए, औरतों की इज्जत करिए, लड़कियों की इज्जत करिए और अपने काम में दिल लगाइए बस। बताएंगे बहुत अच्छा आपने हमें मार्गदर्शन भी किया है। सर अभी इतना बताइए जैसे लोगों को तकलीफ भी हो जाती है, मान लो ऐसा डिप्रेशन हो जाता है, सेक्स में थोड़ा कुछ कमी महसूस होती है, तो ऐसे ही में आपके पास इलाज है, ये लोगों को पता नहीं चलता है काफी लोगों को, तो इसमें वो डिप्रेशन में जाते हैं, ऐसे लोगों को आप क्या बताना चाहेंगे? नहीं नहीं उनको जितना भी जैसा आजकल जो कमजोरी आ रही है बहुत से लोग शर्मा के बताते नहीं, वैसा नहीं करना चाहिए, शर्माने से अपनी और ताकत कम होती है। जैसा हमारा जो स्लोगन है कमजोरी लपीलाने वाड़ जाते, बोले तो कमजोरी आप छुपाएंगे तो बढ़ती जाती, और कमजोरी का सही डॉक्टर से इलाज करिए तो कमजोरी दूर हो जाएंगे और अपनी सेहत भी अच्छी रहेंगी, जो मैरिड लाइफ है वो अच्छी रहेंगी।
थैंक यू सर, धन्यवाद, आपने काफी अच्छा हमारे दर्शकों आपको अगले भविष्य के लिए हमारे तरफ से शुभकामना है, और इसी तरह आपको हर समाज के ही नहीं सभी स्तर के लोग आपको जानते हैं और आपको पुरस्कार के लिए सम्मानित करते हैं। ये आपका बड़प्पन है जो आप सबको मतलब एक्सेप्ट भी कर लेते हो, और अभी सबसे बड़ा जो पुरस्कार मिलने वाला है महामहिम राज्यपाल कोश्यारी जी के हाथ से, ये सभी हमारे महाराष्ट्र के लिए गर्व की बात है, मराठवाड़े के लिए भी गर्व की बात है। हम डॉक्टर शेख की ओर से हम यही बताना चाहते हैं कि अगर कुछ कमजोरी महसूस भी होती है तो घबराने की कोई बात नहीं है, आपको एक बार अवश्य आकर डॉक्टर शेख से मिलिए, ये आपको आपके प्रॉब्लम का सॉल्व करने में आपको मदद करेंगे। ये न कि आपने कुछ तकलीफ होती है तो उसको छुपाने से बढ़ती जाती है, ऐसा उनका स्लोगन है। तो धन्यवाद सर, आरोग्य जागृति में फिर से एक बार आपका स्वागत है, और इसी तरह हम आपको शुभकामनाएं देते रहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। आरोग्य जागृति।